सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यार जब से Redmi Note 7 लॉन्च हुआ है ना, मतलब तब से खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि यार क्या कमाल फोन है, बहुत ही है इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस, प्राइस भी काफी कम है। लेकिन आता है दिमाग में बहुत ही बड़ा सवाल कि यहाँ पे भैया जो प्रोसेसर है वो तो है स्नैपड्रैगन का 660 जो कि सपोर्ट करता है 25 मेगापिक्सल तक के कैमरा को, तो ऐसे में Redmi Note 7 में कैसे हमको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा? क्या यहाँ पे कोई झोलझाल है, क्या ये है सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म? आज दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं ना मतलब ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ इंटरेस्टिंग आपके लिए, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया या भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों ही बटन दबा दो एक साथ दोस्तों, कर लो काम कंप्लीट। और यहाँ पे हम पहले एक बात तो क्लियर कर ही लें कि जो Redmi Note 7 का कैमरा है वो इनफैक्ट एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि दोस्तों उसमें लगा है सैमसंग का GM1 कैमरा सेंसर, जहाँ पे है 48 मिलियन पिक्सल्स। अगर आप दोस्तों निकालते हैं यहाँ पे नंबर तो भैया ये है 8000 by 6000 पिक्सल्स, आप कर लीजिए दोस्तों मल्टीप्लाई, यहाँ पे नंबर के आएगा 48 मिलियन पिक्सल्स का। लेकिन यहां पे जिस तरीके से ये सैमसंग का GM1 कैमरा सेंसर काम करता है या फिर जिस तरीके से दोस्तों यहां पे Redmi Note 7 में कैमरा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है और यहां पे बीच में आता है भैया पिक्चर स्नैपड्रैगन 660 का, तो मतलब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो आज हम यही जानते हैं कि आखिर क्या है भैया सच कि फोन में जो कैमरा सेंसर है वो तो है 48 मेगापिक्सल का, लेकिन अगर आप जाके देखते हैं Redmi Note 7 की वेबसाइट पर और दोस्तों जाके देखते हैं हम कैमरा हाइलाइट्स वगैरह में, तो आपको थोड़े बहुत वहां पे स्टार स्टार देखने को मिल जाएंगे जिनको नीचे की तरफ एक्सप्लेन किया गया है थोड़े छोटे फॉन्ट में। तो यहां पे सच दोस्तों ये है कि जो आपको मिलता है नेटिव आउटपुट सैमसंग के GM1 सेंसर का वो है 12 मेगापिक्सल ना कि 48 मेगापिक्सल, लेकिन Redmi Note 7 में आपको दो अलग-अलग मोड्स मिल जाते हैं जिसके चलते आप भैया ले सकते हैं फोटो या तो 12 मेगापिक्सल में या फिर आपको 48 मेगापिक्सल के अंदर भी फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी यहां पे चीजें कैसे काम कर रही है थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं किसी भी कैमरा सेंसर की, तो भैया जो कैमरा सेंसर है उसमें लगे हैं छोटे 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 बहुत सारे पिक्सल्स, फिर चाहे वो सेंसर हो 8 मेगापिक्सल का, चाहे वो हो 12 का या फिर चाहे ये है 48 का। और यहां पे दोस्तों ये जो इंडिविजुअल पिक्सल्स हैं यहां पे इनके पास में जो फोटो पहुंचती है दोस्तों, अगर आपको कैमरा से भैया फोटो क्लिक करते हो तो यहां पे दोस्तों जो चीज पहुंचती है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होती है अभी। लेकिन अगर आप दोस्तों लेते हैं कोई फोटो तो आपको चाहिए यहां पे कलर्स, और अगर आप बात करते हैं कलर्स की तो आप उनको ब्रेक कर सकते हैं तीन अलग अलग कलर्स में, जहां पे हैं दोस्तों रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हम काम में लेते हैं एक बेयर फिल्टर को जिसके चलते हम जो है वो पिक्सल्स तक कलर इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। और ऐसे में जो बेयर फिल्टर है वो होता है पर पिक्सल बेसिस पे, यानी कि आप समझ लो कि भैया हर एक पिक्सल के ऊपर एक फिल्टर लगा है, वो रेड हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है या फिर वो ब्लू हो सकता है। और यहां पर दोस्तों अगर आप करते हैं सिंपल मैच तो भैया जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स है उसमें से 25% के ऊपर लगा होता है ब्लू वाला फिल्टर, 25% के ऊपर लगा होता है रेड वाला फिल्टर और 50% के ऊपर लगा होता है ग्रीन वाला फिल्टर, क्योंकि दोस्तों यहां पे जो ग्रीन है उसके लिए हमारी आंखें थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव है और यहां पे दोस्तों वो लेके आता है पिक्चर में ल्यूमिनेंस। तो ऐसे में होता यह है कि भाई आपने लगा दिया बेयर फिल्टर, आप जब लेते हैं कोई फोटो तो ऐसे में पिक्सल्स के पास में पहुंच गई है अपनी अपनी इंफॉर्मेशन, कुछ लेके बैठे हैं ब्लू के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ लेके बैठे हैं रेड के बारे में, कुछ लेके बैठे हैं ग्रीन के बारे में। और यहां पर दोस्तों उसके बाद में जो आपके फोन में ISP है वो करती है तीनों को कंबाइन और आपको दे देती है फाइनल पिक्चर। अभी यहां पर दोस्तों है क्या चीज कि जो सैमसंग का GM1 सेंसर है ना वो है भैया इंडिविजुअल जो पिक्सल साइज वहां पे आपको मिलता है 0.8 माइक्रोन का। अब यहां पे जो 0.8 माइक्रोन का इंडिविजुअल पिक्सल साइज है क्योंकि दोस्तों यहां पे उस इमेज सेंसर के अंदर आपको मिलते हैं 48 मिलियन पिक्सल्स, तो जो इंडिविजुअल साइज है वो बहुत छोटा हो गया है। अब यहां पे वो जो 0.8 माइक्रोन का पिक्सल साइज है वो आपको इतनी बेहतरीन लो लाइट फोटोज नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहां पे दोस्तों अगर आप करते हैं कंपेयर आज की डेट में किसी स्टैंडर्ड स्मार्टफोन के कैमरा से तो भैया उनमें होता है 1.12 माइक्रोन का पिक्सल या फिर मान लीजिए 1.25 माइक्रोन का पिक्सल साइज या फिर इनफैक्ट काफी जो अच्छे कैमरास में दोस्तों होता है 1.55 माइक्रोन का पिक्सल साइज, तो ऐसे में वो जो 0.8 है ना उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो यहां पे दोस्तों सैमसंग ने क्या काम किया, सैमसंग ने इस्तेमाल में लिया है अपनी इसी GM1 में क्वाड बेयर एरे को, जहां पे चार जो नजदीक नजदीक के पिक्सल है उनको आपने कंबाइन करके एक पिक्सल की तरह ट्रीट कर लिया। और यहां पे दोस्तों जो बेयर फिल्टर का अरेंजमेंट है वो उसी के हिसाब से किया गया है कि जहां पे भैया आप करते हैं डिवाइड सिंपल 48 को 4 से तो नंबर निकल के आता है 12 और जो कैमरा
कैमरा सेंसर का आउटपुट है वो है 12 मेगापिक्सल का। इससे फायदा ये हुआ कि भाई आपको जो पिक्सल साइज है वो 0.8 माइक्रोन से बढ़ के हो गया 1.6 माइक्रोन का, तो आपको मिलेगी बेहतरीन लो लाइट परफॉर्मेंस, आपको मिलेगी यहाँ पे बेहतरीन डायनेमिक रेंज, और ऐसे में आपका सेंसर तो था 48 मिलियन पिक्सल्स का, लेकिन आपने उसको ट्रीट किया एक 12 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर की तरह। अब यहाँ पे दोस्तों रेडमी क्या कर रहा है कि भाई देखो जो कैमरा सेंसर था वो तो था 48 मेगापिक्सल का, ऑल्दो हमने यहाँ पे जो है वो काम में लिया क्वाड बेयर एरे को, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी सारी अवेलेबल है, तो ऐसे में दोस्तों जो फोटोज हैं उनको इंटरपोलेट कर रहा है भैया, उनको जो है वो अपस्केल कर रहा है 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल में भी। मतलब ये आपको कैमरा ऐप में एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको भैया लेनी है फोटोज 48 मेगापिक्सल में, या फिर जो नेटिव है वो होगा 12 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे रेडमी क्लियरली ये बोलता है कि ऐसे में कुछ ऐप्स जो हैं वहां पे आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 12 मेगापिक्सल का मोड मिलने वाला है। तो ये है दोस्तों कहानी यहां पे भैया इसी कैमरा की। कैमरा मेरे ख्याल से काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन दोस्तों जो Redmi Note 7 Pro आएगा जिसमें लगा होगा 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा, लेकिन जो होगा Sony का IMX586 सेंसर, जहां पे आपको नेटिव आउटपुट मिलेगा 48 मेगापिक्सल में, वो शायद और ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए Redmi Note 7 भी अपने आप में भैया काफी कमाल करने वाला है कैमरा के डिपार्टमेंट में, एटलीस्ट ऑन पेपर तो फिलहाल हमको यही लगता है। तो ऐसे में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, फोन में जेन्युइनली 48 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट है, जो कि यहां पे Redmi ने जो है वो क्लियर नहीं की, लेकिन अगर आप जाके देखते हैं वेबसाइट पे तो आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिली जाएगी। दोस्तों बस वीडियो आपके लिए वैसे बहुत जल्दी आने वाला है Redmi Note 7 की अनबॉक्सिंग का, तो उसके लिए आप भैया बने रहो, कुछ स्पेशल सरप्राइज आपको मिल सकता है। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।